Hello everyone, my name is Ojas Verma and today my mom going to show you some pretty plants. Just you see and you planted on your home. Hello friends, welcome to my channel. जैसे कि मेरे बेटे ने आज इंट्रोड्यूस किया और बता वो मुझसे बोल रहा था मामा मैं आज आपकी जगह पे मैं बना दूँ. मैंने कहा ठीक है आप ही बोल लो. उसका मन कर रहा था और उसको भी वीडियो बनाने का मुझे देख के उसको भी शौक चढ़ रहा है धीरे धीरे. और ये वीडियो मेरा काफ़ी दिन बाद आ रहा है क्योंकि कुछ प्रॉब्लम्स थी जिसकी वजह से मैं वीडियो नहीं बना पा रही थी और नए प्लांट्स भी नहीं ऐड किए थे. ये मेरा एक छोटे सी शॉपिंग हॉल है जो एक दिन की नहीं है. अक्सर मैं ऑफिस से आते हुए मैंने एक दो प्लांट बाय करते हुए आती थी, वही रखे हुए थे. तो मैंने सोचा चलो कुछ आज एक वीडियो शूट कर लेती हूँ क्योंकि इधर जब लॉकडाउन लग गया था और उसके पहले कोविड इतना ज़्यादा फैला हुआ था और मेरे फादर भी कोविड पॉजिटिव हो गए थे. तो उस समय पे मुझे मन ही नहीं किया कुछ बिना वीडियो बनाने का. और मेरे उस पीरियड में मैं इतना ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई कि मेरे बहुत महंगे महंगे और अच्छे प्लांट भी ख़राब हो गए जिनकी मैं केयर नहीं कर पाई. तो अभी फिर से मैंने अपना ध्यान पेड़ों की तरफ देना स्टार्ट कर दिया है. फिलहाल मैं बहुत समय नहीं लूँगी और मैं स्टार्ट करती हूँ, आप लोगों को दिखाती हूँ जो भी मैंने प्लांट की शॉपिंग की है. और ये बहुत महंगे प्लांट नहीं हैं, सारे पेरेनियल प्लांट हैं जो आप अपने गार्डन में एक बार ऐड करेंगे और सालों साल उनके फ्लावर आप अपने गार्डन में पा सकते हैं. और ये बहुत ही हार्डी प्लांट हैं जितने भी प्लांट मैं शो करने जा रही हूँ. और ये बहुत ही कम रेंज में आपको नर्सरी में अवेलेबल हो जाते हैं जो आप इजीली ले सकते हैं. जैसे कि ये पहला प्लांट है रात रानी का और इसमें वाइट कलर के बहुत छोटे छोटे से ग्रीनिश वाइट कलर के फ्लावर होते हैं जो रात में उनमें काफ़ी अच्छी फ्रेगनेंस आती है. और इसको आप अपने गार्डन में ज़रूर ऐड करें क्योंकि इसकी खुशबू बहुत ही अच्छी लगती है. और ये एक क्या कहते हैं सालों साल चलने वाला प्लांट है, जल्दी ख़राब नहीं होता है. और इसके बाद ये मैंने गवर्नमेंट नर्सरी से लिया था और ये वहाँ पर मुझे 10 रुपीज़ का मिला था. और 10 रुपीज़ का प्लांट, इतना हेल्दी प्लांट मिले और ये पॉली बैग में, कोई बुरी बात नहीं है. आप वहाँ से जाके ये गवर्नमेंट नर्सरी से आप इसको परचेज़ कर सकते हैं. और ये दूसरा प्लांट है मेरा डबल पेटल चांदनी का प्लांट और इसमें भी वाइट कलर के फ्लावर्स होते हैं और बहुत ही अच्छी इसमें भी फ्रेगनेंस आती है. और ये भी बहुत हार्डी प्लांट होता है और इसे भी आप अपने गार्डन में ज़रूर ऐड करें क्योंकि ये भी एक सालों साल चलने वाला प्लांट है और इसमें कोई पेस्ट का अटैक भी जल्दी नहीं होता है. तो आप इसे अपने गार्डन में ज़रूर ऐड करें. और ये भी गवर्नमेंट नर्सरी से परचेज हुआ प्लांट है और ये मुझे वहाँ पे 20 रुपीज़ का मिला था और ये भी पॉली बैग में ही लगा हुआ है. और ये एक मेरा अपराजिता का प्लांट है. एक्चुअली जहाँ से मैंने इसको बाय किया तो वो मुझे इस प्लांट को ये बोल के दिया कि ये पर्पल कलर वाला है बट इसमें फ्लावर जो आए, अभी मैंने ये प्लांट रिपोर्ट भी नहीं किए हैं पर इसमें जो फ्लावर निकला तो ये वाइट कलर का निकला था. और ये वाइट अपराजिता का प्लांट है और लेकिन मेरे पास वाइट था भी नहीं तो मुझे अच्छा लगा और इसे भी मैंने ले लिया. ये मैंने ऐसी रोड साइड नर्सरी है यहीं पे मेरे घर के पास में, मैंने वहाँ से लिया है और ये मुझे वहाँ पे 50 रुपीज़ का मिला हुआ था. और वाइट कलर के इसमें भी बहुत ही प्यारा फ्लावर होता है और इसे भी आप अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं. और एक ये प्लांट है मेरा इग्जोरा का और ये भी बहुत ही हार्डी प्लांट होता है. और गर्मी में क्या ये आपका सालों साल चलने वाला प्लांट है और इसमें बहुत ही अच्छे फ्लावर एकदम गुच्छों में ब्लूम करते हैं जो कि बहुत प्यारे लगते हैं. मेरे पास इसके कई कलर्स हैं, पिंक, वाइट, ऑरेंज, येलो. और ये वाला जो है ये कुछ रेड ऑरेंज के कॉम्बिनेशन का है, बहुत प्यारा कलर है. अभी तो इसमें ब्लूम नहीं आए हैं लेकिन इसी के साथ में एक तो पेड़ जो थे वहीं पे हैं तो उनमें ब्लूमिंग थी तो कलर मुझे पता है इसमें कैसा है. और जब इसमें ब्लूम आएगा तो मैं आप लोग के साथ वो भी शेयर करूँगी. और ये भी बहुत ही अच्छा प्लांट है आपके गार्डन में ऐड करने के लिए.
और देखिए इसमें कितने अच्छे से पत्तियाँ आ रही हैं और ये बुशी हो रहा है। और ये प्लांट मैंने 30 रुपीज़ का लिया है यहीं रोड साइड नर्सरी से, और ये कहीं भी आपको नर्सरी में इजीली 50 रुपीज़ के अंदर अवेलेबल हो जाता है। और बहुत ही अच्छा और हार्डी प्लांट है, और ये भी पॉली बैग में ही लगा हुआ है। मेरे मोस्टली प्लांट पॉली बैग में ही लगे हुए हैं जो मैंने परचेज किया है। अभी मैंने इनको रिपोर्ट नहीं किया क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा है, तो जैसे ही टाइम मिलता है तो मैं इनको रिपोर्ट करूँगी। और ये एक है अलमंडा का, अलमंडा के मेरे पास कई प्लांट्स थे लेकिन ये अलग कलर नहीं था। इसमें देखिए ऐसा कलर का होता है और बहुत ही बड़ा सा फ्लावर निकलता है, बहुत प्यारा। और ये थोड़ा सा बड़ा ही प्लांट है, और ये मुझे ये भी रोड साइड नर्सरी से लिया है, और ये मुझे 100 रुपीज़ का मिला था। और 100 रुपीज़ का मिला नहीं, एक्चुअली वो 100 तो बोल रहा था, पर मैंने उसको शायद मैंने कई प्लांट्स लिए थे तो उसको शायद इसका मैंने 80-80 पे किया है, 80 रुपीज़, हाँ 80 शायद पे किया है। और इतना हेल्दी प्लांट और इतना बड़ा प्लांट है, देखिए इतने बड़े पॉली बैग में लगा हुआ है, तो सही है मेरे ख्याल से। और इसमें काफ़ी अच्छा ब्लूमिंग होता है, आप इसको अपने गार्डन में ज़रूर ऐड करें। और इसमें कई कलर्स आते हैं, येलो है, पिंक है, और ये कलर है। और ये लास्ट प्लांट है ये मेरा हिबिस्कस का, और ये हिबिस्कस का बेबी पिंक कलर है, और ये इतना प्यारा इसका कलर आता है। अभी देखिए इसमें कितनी सारी बर्ड्स आई हुई हैं, जब ये ब्लूम करता है रियली इसका कलर ना देखने लायक होता है। ये मुझे बहुत पसंद था, मेरे पास पहले इसका एक में प्लांट लाई थी लेकिन वो ख़राब हो गया था, तो ये मैंने दोबारा से परचेज़ किया है। और इसमें भी काफ़ी फ्लावर खिल भी चुके हैं क्योंकि ये मेरे ख्याल से 15 से 20 दिन हो गए हैं प्लांट मेरे गार्डन में रखे हुए, पर मुझे रिपोर्टिंग का टाइम नहीं मिल पाया तो इस वजह से मैंने रिपोर्ट भी नहीं किया। अभी देखिए ऐसे ही अभी पॉली बैग में ही लगे हुए हैं, और ये प्लांट भी मैंने शायद 50 या 40 रुपीज़ का बाय किया। एक्चुअली वो जितना बोलता है मैं उतना तो देती नहीं हूँ, ये तो मेरी आदत है बार्गेनिंग करने की, तो मैं शायद 60-70 बोला था, मैंने शायद 50 ही दिया था उसको, 50 या 40 ऐसे ही दिया था। और ये भी बहुत अच्छा प्लांट है, और इसको भी आप अपने गार्डन में ज़रूर ऐड करें क्योंकि हिबिस्कस के तो इतने कलर्स हैं कि मैं बता नहीं सकती हूँ। और मेरे पास हिबिस्कस के आई थिंक मोस्टली कलर हैं, क्योंकि ये देखिए ये पिंक है, मेरे पास रेड है, ऑरेंज है, येलो है, और वाइट है। और तो आप भी इन प्लांट्स को अपने गार्डन में ऐड करें। और ये जो मैंने रोड साइड नर्सरी से परचेज़ किया है, ये क्या कहते हैं यहीं पे तेलीबाग के पास में एक नर्सरी है, वहीं से मैंने लिए हुए हैं। और आप लोग चाहें तो इस गवर्नमेंट नर्सरी में भी जाके वहाँ पे भी कभी कभी प्लांट्स अच्छे मिल जाते हैं, लेकिन ये हमें पहले से पता नहीं होता कि हम प्लांट लेने जो प्लांट मन में है हमारे है लेने जाएँ और वो मिल जाए। तो मोस्टली होता ही है जब हम जाते हैं तो वहाँ जो अवेलेबल होता है तो वही हम ले लेते हैं, तो कुछ मेरे साथ भी ऐसे ही होता है। कभी कभी तो ऐसा भी हो जाता है जो मेरे पास प्लांट ऑलरेडी होता है वही दोबारा भी आ जाता है क्योंकि प्लांट लवर होते हैं ना, वो अपने ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाते और उनको जो प्लांट अच्छा लगता है वो ले लेते हैं। तो मेरी ये छोटी सी शॉपिंग आप लोग को कैसी लगी है प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आप लोग भी जाके अगर इनमें से कोई भी प्लांट आपको अच्छा लगा हो तो आप भी परचेज़ करिए और उसको अपने गार्डन में ऐड करिए।